खुजनेर नगर से 25 किलोमीटर दूर जिला मुख्यालय राजगढ़ पर खुजनेर राजगढ़ के विधायक बापू सिंह तंवर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कोरोना की तीसरी लहर के बारे में लोगों से सावधानी बरतने की अपील की। वहीं जिला राजगढ़ में कांग्रेसी विधायकों ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जनहित में जो कार्य किए उसके लिए सभी को धन्यवाद दिया। डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, ग्राम पंचायत तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों ने लोगों को इस बीमारी में जो सेवा दी उसके लिए भी सभी को धन्यवाद दिया। वहीं देश तथा प्रदेश जिला राजगढ़ इस बीमारी के दौर में जिन हालातों से गुजरा उनको याद करते हुए बापू सिंह विधायक साहब के आंसू बह निकले। दूसरी ओर इस ढाई महीने में जिन लोगों की मृत्यु हुई है और उन लोगों को विधायक सरकार से सहायता दिलाने का अनुरोध कर चुके हैं, आगे भी इसी कड़ी में वह लगातार प्रयासरत हैं कि जिन लोगों की इस समय में मृत्यु हुई है उन लोगों को वहाँ आर्थिक सहायता जरूर दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री से चर्चा भी की, समय समय पर जिला कलेक्टर की मीटिंग में इस बात को रखा। वहीं भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 7 वर्ष के सफलतम बताने पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देश और प्रदेश और गांव की जनता सब जानती है महंगाई आसमान पर है, बेरोजगारों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जनहित में जो संसाधन थे उनको उन्होंने बेच दिया। साथ ही खुजनेर अस्पताल को लेकर राजगढ़ अस्पताल को लेकर उन्होंने गंभीरता दिखाई और उनके यह प्रयास जारी रहेंगे कि खुजनेर और राजगढ़ जिला चिकित्सालय सारी सुविधाओं से तैयार हो जाए। इसकी कड़ी में मेहनत उनके द्वारा लगातार की जा रही है। इसी तरह से उन्होंने आगे बताया कि कोरोना की जिस तीसरी लहर के बारे में बताया जा रहा है इसका असर छोटे बच्चों पर ज्यादा होगा, उसको लेकर भी विधायक बापू सिंह तंवर गंभीर होकर लगातार इसके बचाव हेतु प्रयासरत हैं। हर स्तर पर 24 घंटे बापू सिंह तंवर ने जिला मुख्यालय राजगढ़ पर रहकर आने वाले लोगों की लगातार सेवाएं की। गांव-गांव और शहर इसको जबरदस्त राजगढ़ विधानसभा के सभी नागरिकों से उन्होंने संपर्क बनाए रखा और जो भी उनसे संभव हो सका उन्होंने लगातार मेहनत की और आगे भी सतत मेहनत करते रहेंगे। इस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी। टीम भारती न्यूज। हम लोगों ने सबसे पहले तो हमारी सामाजिक व्यवस्था को हमने सुधारने में पहले ध्यान दिया कि कोरोना की जो चेन तोड़ने का काम शुरुआत में एक दौर ऐसा बड़ा कि सब गांव-गांव में सामूहिक विवाह सम्मेलन और ये सब तय हो गए थे कि सम्मेलन करना, शादियां करना, ये करना, लेकिन सभी सामाजिक संस्थाओं से, सामाजिक बंधुओं से चर्चा उपरांत और हमारी जो कोरोना आपदा प्रबंधन कमेटी है उसमें भी हम लोगों ने तय किया है कि इसमें कड़ा निर्णय लेना पड़ेगा। तो ये समाज के और जनमानस के सहयोग से सफल हो पाया है कि उन्होंने बड़े कार्यक्रमों पे रोक लगाई और स्वतः ही सामूहिक विवाह सम्मेलन और ये सभी हमारे बड़े बड़े समाज के लोगों ने, उनके अध्यक्षों ने यह निर्णय लिया है कि हम सामूहिक विवाह सम्मेलन लेना करते हैं और उससे हमें बहुत राहत मिली कि बड़े आयोजन से हम बचे और भारी भीड़भाड़ से हम बचे। कोरोना के दौरान गांव-गांव में इस बार जो दूसरी लहर आई थी उसमें गांव में बहुत ज़्यादा असर किया और इससे ऐसा मंजर पहली बार देखने को मिला कि ऐसा मंजर, ऐसा संकट का दौर भगवान करे ऐसा कभी ना, भगवान से प्रार्थना माँ जालपा से है कि ऐसा दौर कभी ना आए और अब सबको स्वस्थ और प्रसन्न रखें। आपने देखा है कि लगातार इससे निपटने के लिए हम लोग सामाजिक संस्थाओं से और भी सरकार के प्रयास, हम लोग विधायक निधि से लगातार लगे हुए कि भाई इसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाइए और एम्बुलेंस, ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन प्लांट की तैयारी चल रही लगाने की, जल्दी लग जाए। सीटी स्कैन का मशीन का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी वो भी टेंडर हो गए, वो भी जल्दी लग जाए। डिजिटल एक्सरे मशीन उसके भी प्रयास कर रहे हैं कि वो भी जल्दी से नई मशीन आए और कोशिश ये कर रहे हैं कि जो बच्चों के बारे में या जो भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी, बच्चों वाली लहर आ रही, वो पूरी तैयारी करने के उसमें लगे हुए कि अभी भी कोरोना के केसेस तो कम हो गए लेकिन संकट अभी टला नहीं, अभी हमें और भी उसमें ख्याल रखने की ज़रूरत है और जब हम ख्याल रखेंगे तभी इससे बच पाएंगे। और जिन गांवों ने इस बात का ख्याल रखा उन गांवों में कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ और जिन जगह चेन नहीं टूटी वहां पर काफ़ी हादसा हुआ, काफ़ी नुकसान भी हुआ, शहरों में भी हुआ, गाँव में भी हुआ।
लगातार हमारा प्रयास है कि हम जनमानस की बेहतर सेवा कर सकें, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। और हमारे जितने अस्पताल हैं, कुजनेर का हॉस्पिटल और भी छोटे PSCs, वह सब जगह हम व्यवस्था जुटाने में, आज भी हमारी CM से वीडियो कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी ये मुद्दा रखा है कि हमारे जितने PSCs हैं, जितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहाँ पर हमारा भरपूर व्यवस्था होना चाहिए। डिजिटल एक्सरा, ECG मशीन, लेब, तो इस चीज़ से हमारा, ताकि हमारे मरीजों को वहीं हम जांच करके और उनको जो आवश्यकता वो उपचार उन्हें दे सकें। इस तरीके से हम विचार कर रहे हैं। डॉक्टरों की कमी, उसकी पूर्ति के लिए बात कर रहे हैं कि हमारे डॉक्टरों की पूर्ति की जाए। ऐसे तमाम व्यवस्थाओं के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक हम लोग सफल भी हुए। हमारे काफ़ी डॉक्टर्स आ गए, कुछ देर की हमने मांग की थी, वहाँ आ गए। राजगढ़ में भी काफ़ी डॉक्टरों की पूर्ति हो गई। अब कुछ एक्सपर्टों की ज़रूरत है, जैसे वेंटिलेटर के एक्सपर्ट चाहिए, उसकी डिमांड की है, तो सरकार से मांग की है कि वो हमें वेंटिलेटर के एक्सपर्ट यहाँ पर नियुक्त करें ताकि वेंटिलेटर चल सके। और भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, उससे हम लगातार निपटने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका समय देखिए, आप सब जानते हैं कि 7 साल में देश की क्या स्थिति हो गई, बंकाधार हो गया, इस देश बर्बाद करके रख दिया, सब कुछ बेच दिया, महंगाई की मार, नौजवान बेरोजगार घूम रहे, क्या कुछ नहीं हुआ। हर तरफ से, हर इंसान पे, मानव जीवन पर सबसे बड़ी चोट की है इस 7 साल के अंदर। इतिहास गवाह रहेगा, आज तक की सरकारों ने समग्र जनमानस के विकास और उनकी उन्नति की बारे में सोचा होगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ 4-5 लोगों की उपलब्धि, उनके विकास के बारे में सोचा, बाकी सारी देश की जनता को झोंक दिया। और यह आप किसी से छुपी हुई नहीं, आप एक गरीब आदमी से पूछ लो कि पेट्रोल क्या भाव आ रहा, गांव से शहर कैसे आएगा जाएगा, मीठा तेल का क्या भाव, खाद के क्या दाम, आसमान छू रहा सारी। तो ये महंगाई ने कमर तोड़ दी, नौजवान से पूछो रोजगार के लिए भटकना, संसाधन सब बेच दिए गए, तो ये सब चीजें आप ज्यादा जानते हैं इस बारे में, और जनता भी जान चुकी है कि इस देश का बंटाधार कर दिया, इसको बर्बाद कर दिया 7 सालों में, यही उपलब्धि है। सब्सक्राइब नाउ टू मोस्ट एक्साइटिंग चैनल एवर।